महाराष्ट्र में गौरी गणपति के त्योहार की धूम मची हुई है और इसी महालक्ष्मी उत्सव के दौरान फूलों की कीमतों में काफी मात्रा में बढ़ोतरी हो चुकी है। जी हां, जो फूलों की माला मात्र 50 रुपए में मिलती थी उसकी कीमत अभी 600 के पार हो चुकी है, जिसके चलते सवाल या निशान उपस्थित होता है कि आखिर यह प्रकृति है या मजबूरी का फायदा। देखा जाए तो भगवान की पूजा फूल माला के बिना अधूरी है, उसी के चलते आज गौरी गणपति एवं महालक्ष्मी उत्सव के दौरान बड़ी मात्रा में फूलों की बिक्री बाजार में हो रही है। लेकिन इसी बीच कहीं न कहीं फूलों की बढ़ रही कीमतें भक्तों की आस्था एवं विश्वास की परीक्षा बन रही है। आज फूलों की कीमतें आसमान छू रही है। जो फूलमाला मात्र 200 या 300 में मिलती थी, उन फूलमालाओं की कीमत आज 2500 से 3000 तक पहुँच चुकी है। फूल विक्रेताओं का कहना है कि 250 से 300 तक फूल महंगे हो गए हैं, क्योंकि असमय बारिश के कारण फूलों की खड़ी फसलों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ था, जिसके चलते फसल कम होने के कारण गणेश उत्सव के दौरान एवं त्योहार के दौरान फूलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दर्शकों, आपको बता दें कि 20 फूलों का बंच गुलाब का, जो पहले 150 से 200 में बिकता था, वह 600 में बिक रहा है। जरबेरा प्रति नग 70 है, जो पहले 20 से 25 में बिकता था। शेवंती का फूल 120 किलो बिकता था, जो अब 300 किलो बिक रहा है। गुलाब 100 किलो बिकता था, जो अब 500 से 600 किलो बिक रहा है। गेंदे का फूल 50 से 60 रुपए बिकता था, जो अभी 200 किलो बिक रहा है। और इन्हीं कीमतों के चलते ग्राहकों की जेब में कैंची लग रही है, जो काफी चिंतनीय विषय है। अच्छा वाला बर्डिंग वाला गुलाब चल रहा है सर, 400 रुपए किलो सर चल रहा है। ठीक है, हर प्रकार की शेवंती यहाँ पे 80 रुपए पावाली भी है, 50 रुपए पावाली भी है, 200 रुपए केजी चल रही है। गेंदा चल रहा है 120 रुपए, 100 रुपए केजी चल रहा है। ठीक है, हर प्रकार का कलर वाइज रेट अलग अलग है। नागपुर का गुलाब बिक रहा है 100 रुपए किलो, देसी गुलाब बोलते हैं जिसे, वो 100 रुपए किलो चल रहा है। सीजन में इतनी मतलब ये हो रही है, आवक हो रही है और फूल बिक रहा है यहाँ पे। बाकी समय इतना क्रेज नहीं है फूलों का, मतलब अभी महालक्ष्मी की वजह से इतना फूल की बिक्री भी हो रही है और मतलब माल इतना आ रहा है ज़्यादा। हाँ, तो महालक्ष्मी की वजह से इतना रेट है। रेट में भी लोग इतना ये नहीं करते, आते नहीं मार्केट में, स्लो मोशन है पूरा। नमस्ते, फूल मार्केट से, फूल मार्केट भगवती फ्लावर से निखिल यादव बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी जो फूलों के रेट चालू है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा है ज़्यादा है, बट अभी जो फूलों के रेट है वो महालक्ष्मी के हिसाब से और गणपति के हिसाब से थोड़े ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू जैसा पिछले हफ्ते जो फूलों का रेट है, सेवंती जो 100 रुपये थी, आज वो 200 रुपये किलो है। और जो गुलाब है वो 150 रुपये किलो था, तो आज डायरेक्ट 600 रुपये चल हो गया। यानी गणपति में भी, जब गणपति स्टार्ट है, हमारे बापा जी जो है, जैसा कि हमारे महाराष्ट्र में गणपति का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसके हिसाब से फूलों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस हिसाब से रेट जो है फूलों के अभी बढ़े हुए हैं। सेवंती, गुलाब, मोगरा, कुंदा, ये सारे रेट हाई पे चल रहे हैं। लक्ष्मी जी के जोड़े हर बार, तो मतलब हर बार को अगर अपन कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो जोड़ा 1200 का था, आज वो जोड़ा 2000 का चल रहा है, 2500 का चल रहा है। मतलब ऑल ओवर सारे चीज़ों में महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि लोकल में जो लोकल की जो बारिश है, वो बारिश की वजह से बेमौसम बारिश होना, हमारे विदर्भ के जो छोटे मोटे जो भी आजू बाजू के गांव है, वहाँ से हमारे इधर लोकल मार्केट में, ये नागपुर मार्केट में ज़्यादातर फूल आते हैं, तो लोकल मार्केट में अभी फूलों की जो खेती है वो पूरी, यानी बेमौसम बारिश की वजह से पूरी उजड़ गई है। आज जो फूल सूखे आने का, पूरे गीले आ रहे हैं, और गीले फूलों के हम कुछ काम में ही नहीं आते ना, वो कुछ कर ही नहीं सकते, उसके माला भी नहीं बना सकते, तो हमको इनडायरेक्टली फूल पूना मुंबई से मंगाना पड़ रहा है, नासिक से मंगाना पड़ रहा है, और नगर हवेली से मंगाना पड़ रहा है, जो कि हमको एज़ कम्पेयर टू हमारे लोकल मार्केट से काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमको जो रेट यहाँ पे बेचना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से हमको रेट बढ़ा के बेचना पड़ रहा है। नहीं, गिराई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोगों में उत्साह वैसा ही है जैसा पहले था। इम्पैक्ट पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार तो थोड़ा गिराई की ज़्यादा ही दिख रही है, मतलब उसका फ़र्क गिराई को उतना पड़ा नहीं, क्योंकि पूजा करने वाले, हाँ ये बोल सकते हैं कि जो कुछ लोग जो एक किलो या
आधा किलो ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाने वाले लोग थे वो थोड़ा कम क्वांटिटी में लेके जा रहे हैं, लेकिन फूल लेके जा रहे हैं। सेवंती की डिमांड पिछले साल के मुकाबले इस साल मतलब झेंडू से आगे सेवंती चल रही है। हर बार हम झेंडू को प्रिफ्रेंस देते थे, लेकिन इस बार सेवंती थोड़ा सा ज़्यादा बिक रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं इस बार मतलब नहीं, सजावट तो लोगों ने की है, लेकिन ओरिजिनल फ्लावर्स के जो रेट है थोड़े ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है आर्टिफिशियल फ्लावर के और ज़्यादा मुड़े हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमको इसका काफ़ी नुकसान है। लेकिन अब लोगों की डिमांड मतलब पैसा अगर बचाना है तो लोग आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।